बिग बॉस सीजन 16 की एक्स कंटेस्टेंट सुंबुल तौकीर खान और फहमान खान की क्या टूट जाएंगे रिश्ते? क्या फहमान खान और सुंबुल अब हो चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए अलग? क्या शिव ठाकरे के साथ लोग अब ज्यादा पसंद करने लगे हैं सुंबुल को बजाय फहमान के? तो फिर चलिए आपको बता क्या है वो बड़े राज जिसके चलते फहमान को लग सकता है बड़ा झटका। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद सुंबुल अगर किसी को से पहले मिली थी तो वो थे फहमान खान, लेकिन फहमान खान अपने दोस्ती यारी और दोस्तों के साथ दोस्ती निभाने गए। फहमान खान जिस तरीके से सुंबुल के पिताजी पे आरोप लगाया, अब फहमान खान को ये भारी पड़ रहा है। फहमान खान एक तरफ से अकेले फील कर रहे हैं और सुंबुल के साथ लगातार सुंबुल के फैंस और सुंबुल तौकीर खान ट्विटर पर धमाल मचा रही हैं। इवन दो अब एक नया हैशटैग ट्रेंड होने लगा है, हैशटैग शिवसम। लोगों की माने तो फैंस अब ये मान रहे हैं कि अगर फहमान माफ़ी नहीं मांगते हैं सुंबुल से तो हमको कोई लेना देना नहीं है, हम तो सुंबुल के साथ शिव को देखना पसंद करेंगे। यानी कि ये साफ तौर पर दर्शाता है सुंबुल का इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन कंट्रोवर्सी में फहमान खान की इमेज को खतरनाक नुकसान पहुंचा है। दरअसल आपको बता दें फहमान खान को लोग आज भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और फहमान खान धर्म पत्नी शो में इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनकी बदौलत पर एकता कपूर का ये शो चल रहा है और खुद ब खुद एकता कपूर इस चीज़ को मानती हैं। लेकिन जिस तरीके से फहमान खान ने सुंबुल के पिताजी पे आरोप लगाए थे और अब वो कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि सुंबुल किसी भी जगह पे फहमान खान का नाम लेने से बच रही हैं, तो साफ तौर पे नज़र आता है कि सुंबुल और फहमान के बीच में दोस्ती अब वैसी नहीं रही जैसा कि पहले थी। जैसा कि बिग बॉस के घर में सुंबुल फहमान खान का नाम लेते नहीं थकती थी, अब वो फहमान को भूलते नज़र आ रही है। तो दूसरी तरफ सुंबुल के फैंस का ये डिमांड है कि अगर फहमान खान माफ़ी नहीं मांगते हैं या फिर फहमान खान नहीं चाहते सुंबुल के साथ स्मॉल स्क्रीन पे आना तो फिर कोई नहीं, शिव ठाकरे की जोड़ी हमें सबसे बेस्ट लगती है। वैसे मैं आपको बता दूं शिव ठाकरे की ही वो जोड़ी है जो कहीं ना कहीं फहमान खान को टक्कर दे रही है। सुंबुल के साथ शिव को लोग अब जमकर पसंद कर रहे हैं, शिव के बॉन्ड को एंटरटेनमेंट को लेकर सुंबुल के फैंस हैशटैग शिवसम ट्रेंड चला रहे हैं और ट्विटर पे सुंबुल के अलग अलग ट्वीट्स ट्रेंड किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जब फहमान और सुंबुल के अच्छी दोस्ती थी तो लगातार ट्विटर पे फहमान खान भी ट्रेंड हुआ करते थे, तो ये फहमान खान के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या फहमान खान को अब गिले शिकवे भुला कर सुंबुल से माफ़ी मांग लेनी चाहिए? क्या वो वक्त आ गया है कि फहमान खान को अब अपने प्रोफेशनल लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सुंबुल से दोस्ती बना लेनी चाहिए? ये लिखिएगा जरूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।